दोस्तों आज मैं बात करता हूँ एक ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में, जो ईयरफोन बहुत ही कम दाम में मार्केट में मिल जाता है। लेकिन आप लोग को क्या पता है कि जो ईयरफोन आप यूज कर रहे हैं उसका अंदर में क्या होता है, उसका अंदर का बैटरी कैसा होता है? तो इसी बारे में मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जे आई टेक्नो, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ इस ब्लूटूथ का, इस छोटा सा ब्लूटूथ का आज मैं बात करूंगा। इस ब्लूटूथ का जो अगर मेटल का बात किए तो फुल ऑफ प्लास्टिक मेटल है, ठीक है। इसका मॉडल नंबर है आपका S530। ओके, तो ये अगर प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बहुत इजी से आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ। इस प्रोडक्ट को अगर देखा जाए तो बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, यह आपका यूजफुल प्रोडक्ट है। इतना छोटा सा प्रोडक्ट आपका कान में बहुत अच्छा से आराम से सेट हो जाता है। लेकिन इसका अंदर में होता क्या है, ये कैसे करके आपको जो बात करने का जो इजी वे है आपको प्रोवाइड करता है, आज मैं इसको खोल के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने जितना इसके अंदर पार्ट्स है सबको निकाल के अलग अलग कर दिया हूँ, इसीलिए अलग अलग किए कि आप लोग को समझने में आसानी हो। और इसका आप कैसे चेंज कर सकते हैं पार्ट्स को वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जो इसका पार्ट्स आता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है एक बैटरी, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा एक बैटरी है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे बैटरी चाइना में बनता है, तो ये बैटरी को आप चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ पर दो वायर दिया गया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर, जो वायर इसका बोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ और देखता हूँ क्या है। इसका नेक्स्ट पार्ट्स की अगर बात किया जाए तो बहुत ही छोटा सा एक माइक्रोफोन है जिसमें आपका वॉइस को कैच करता है। तो ये माइक्रोफोन नॉर्मली जो आपका ईयरफोन होता है, ईयरफोन में जो माइक्रोफोन होता है, वो सब माइक्रोफोन भी आप यहाँ पर लगा के इसको यूज कर सकते हैं अगर इसका माइक्रोफोन खराब हो जाता है तो ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आपका ये माइक्रोफोन यूज करते करते खराब हो जाता है तो आपका फोन में जो माइक्रोफोन है वो भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इजी तरीका है इसको चेंज करने का। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ क्या है। जो नेक्स्ट पार्ट है एक स्पीकर है, एयर स्पीकर, जिसका जरिए आप वॉइस को सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जब एम्पलीफायर होता है ऑडियो, तो इसमें आपका वॉइस सुन सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। ये आपका जो ईयरफोन रहता है, ईयरफोन में जो आपका स्पीकर रहता है बहुत ही छोटा सा, उस छोटा सा स्पीकर भी इसमें सपोर्ट करेगा। आप इसको चेंज करके लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है कि आप इसको बहुत ईजिली चेंज करके इस स्पीकर को आपका ब्लूटूथ जो ईयरफोन है उसमें लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। पार्ट्स का बात किया जाए इस प्रोडक्ट का, तो सबसे मेन एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है वो है इसका बोर्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही चीप लेवल का बोर्ड है, बहुत ही कम दाम का बोर्ड है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है B+, B-। ओके, तो इसमें आपका लग जाता है बैटरी का B+ में पॉजिटिव एंड बैटरी का B- में नेगेटिव। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए और जहाँ पर एक कटिंग करा हुआ है इस जगह का मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह में देखिए M+ और M- लिखा हुआ है। ओके, तो M+ और M- है इसका माइक्रोफोन, जो छोटा सा माइक्रोफोन है उसको आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव तार लगा के इसमें आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इस जगह पे आ जाइए, ये जो जगह है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है स्पीकर के बारे में। ओके, तो यहाँ पर जो स्पीकर है वहां पर SP- और ऊपर में लिखा हुआ है SP+। तो SP- और SP+ का मतलब है स्पीकर का जो प्लस कनेक्टर है वहां पर लगेगा, स्पीकर जो माइनस कनेक्टर है तो वहां पर लग जाएगा। तो इसको आप इजीली अपडेट कर सकते हैं, इसका बैटरी चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली, आप इसको यूज कर सकते हैं अगर इसी का अंदर कोई पार्ट्स खराब हो तो। उसके बाद अगर इसका बात करें बैक साइड का, तो बैक साइड में इसका एक बटन दिया गया है जो बटन आपका इसको ऑन ऑफ करने में मदद करता है। ओके, उसके बाद एक एम्पलीफायर के लिए एक IC यहाँ पर दिया है जो ऑडियो को आपको एम्पलीफाई करता है। ओके, तो इसका बाद
एक यहाँ पर देख सकते हैं नोकिया का जो पत्ता पिन वाला चार्जर आता है, उससे इसको चार्ज करने के लिए एक कनेक्टर दिया गया है। ये जो बैटरी आता है, इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर और ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर दो एलईडी बल्ब है, इंडिकेट करेगा चार्जिंग का टाइम है एंड रिसीव करने का टाइम है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आता है इसका जो प्लास्टिक कवर है, तो इस प्लास्टिक कवर को आप इसका हर पार्ट्स को लगाने के बाद इसको कवर करने के लिए ये प्लास्टिक कवर बनाया गया है। तो ये बहुत इजीली आप खोल सकते हो इसको, इजीली लगा सकते हो इसको। ओके, तो एक चीज का ध्यान रखिए, जब इसको आप लगाइएगा तो बहुत सोच समझ के लगाइएगा, कि लगाने के बाद ये फटाक से खुलता नहीं है, बहुत हार्ड होता है इसको खोलना। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही था। अगर आप मेरे चैनल पे होने हैं और आपको चाहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग बातें फॉर गैजेट एंड अनबॉक्सिंग रिव्यू, तो प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब।